जयाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उमिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव गणपति बापा मोरिया। रत्न खचिता फरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुमकुम केशरा तेरे जड़ता मुकुट शोभ तो बरा कुंजुल तीनु पूरे चरणी घागरिया जय देव जय देव गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया पुषा वंशी लोकैया जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव मंगल मूर्ति ऊर्जा वर्षी आज गणपति विसर्जन का आखिरी दिन है, समाज के लिए और लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? लोगों की जो भावना थी आपने देखा कि डेढ़ दिन का, पाँच दिन का, सात दिन का, आज ग्यारह दिन का गणपति विसर्जन हो रहा है। लोग भी खुद सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे इधर नाला सोपारे के जो पुलिस डिपार्टमेंट है, महानगर पालिका के जो कर्मचारी, हमारे सभी माजी कॉरपोरेटर और कार्यकर्ते सभी यहाँ पे हैं। मगर पब्लिक खुद ही जान रही है कि जो कोरोना का जो संकट गिरा है वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होना मांगते। आप देख रहे हैं कि जो इस टाइम पे जो लास्ट के दिन में जो सार्वजनिक जो गणपति रहते हैं वो 48 गणपति हर साल यहाँ पे आते हैं विसर्जन करने के लिए। मगर डेढ़ दिन का जब अपना गणपति विसर्जन हो गए उसी समय पे मेरे ख्याल से 30 सार्वजनिक गणेश पूजन हो गए, यहाँ पे विसर्जन हो गया, तो अभी 18 जो है सार्वजनिक जो गणपति वो अभी एक एक करके वो आ रहे हैं और वो लोग भीड़ से भी नहीं आ रहे, एक चार चार पाँच पाँच लोग आ रहे हैं और अच्छे तरफ से विसर्जन कर रहे हैं इधर हमारे आचोरे गाँव में। जो हमारे हर साल विसर्जन की जो टीम है वो अच्छे तरफ से यहाँ पे काम कर रही है और यहाँ पे कोई भीड़ नहीं होके एक शांति तिथि से ये सब विसर्जन का आयोजन हो रहा है। गणेश विसर्जन या इन ऑल गणेश फेस्टिवल जो है उसमें कोरोना के चलते हुए गवर्नमेंट ने जो जो निर्देश दिए थे, हमारी तरफ से जो जो मतलब रिक्वेस्ट की गई थी, सुझाव दिए गए थे, उसी के हिसाब से लोगों ने भी हमारा कहना मान लिया है। हम ये इसका सब क्रेडिट पब्लिक को देना चाहते हैं कि पहली बार इतनी शांति से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और किसी भी तरह की वारदात या तो छोटे मोटे झगड़े बकेड़े के बिना आज ये आनंद चतुर्थी के दिन गणेश उत्सव 2020 संपन्न हो रहा है। सर, इसके अलावा आपका आगे के लिए जनता के लिए क्या संदेश होगा? जब तक कोरोना का प्रकोप जारी है तब तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने अपने घर में ही बने रहे, किसी भी तरीके का उन्माद जो है होना नहीं चाहिए, खासकर बुजुर्ग छोटे बच्चे, इनके लिए हमारी एक हमारी तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने घर में बने रहे, बिना किसी वजह रास्ते पे ना उतरे और गवर्नमेंट के जितने भी निर्देश आते रहेंगे टाइम एंड अगेन उनका पालन करते रहे। बहुत बहुत।